अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। हुकूमत पंजाब कपास की फसल की बेहतरी और अच्छी पैदावार के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजनपुर मोहम्मद सिफातुल्लाह की ज़ेर सदारत कपास की पैदावार और पेस्ट स्काउटिंग के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास से खताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कपास पर कीड़ों के हमलों के हवाले से महकमे ज़राअत अपनी आगाही मुहिम जारी रखे, बेस्ट स्काउटिंग करें और किसान को ज़रई अद्वियात के इस्तेमाल के बारे मुफीद मालूमात फरहम की जाए। महकमे ज़राअत अपनी टीमें मुतहरिक करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि काश्तकारों को चाहिए कि वो किसान सहूलत सेंटर पर दी गई सहूलियात से भरपूर इस्तफादा हासिल करें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आमिर जलबानी, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रुझान मोहम्मद कासिम समेत महकमे ज़राअत के अफसरान और दीगर अफसरान शरीक थे। राना मोहम्मद सलीम, ब्यूरो चीफ, जामपुर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।